अब हम लोग जा रहे हैं रानी सिंह पार्क और आपको दिखा रहे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग आ चुके हैं झांसी किले के पास। अब हम यहाँ से रानलक्ष्मी पार्क जाएंगे और आप देखिए किला कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, और अंदर से भी काफ़ी अच्छा है, आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब चलते हैं हम रानी लक्ष्मी पार्क की तरफ। हाँ तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पार्क के अंदर, और पार्क के अंदर आते ही आपको भारत का फ्लैग दिखेगा जो काफ़ी ऊंचाई पर लगा हुआ है, और पार्क बहुत बड़ा है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर झूले भी लग चुके हैं एक्सरसाइज के लिए जिम में, और यहाँ पर मूर्ति भी लगी हुई है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की और संत कवि सी एस राम शरण गुप्त जी की, आप पढ़ सकते हैं जी। ये देखिए। हाँ तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दूसरी तरफ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा इंजन पुराने टाइम का, और बहुत साल पुराना है ये। आप लोगों को पास में लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये अभी यहीं पर है। और यहाँ पर रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति बनी हुई है, ये देखिए दोस्तों, इसे ऊंचाई पर रखा गया है। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर दोस्तों, देखिए बहुत बड़ा पार्क है, और यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। और हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज मशीनों के पास, और ये देखिए दोस्तों कौन कौन सी मशीनें लगी हैं, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर लोग मॉर्निंग के टाइम आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और अब हम इसके अंदर जाएंगे दोस्तों। ये पार्क अभी अभी बना है, मुझे खड़े हैं यहाँ के गार्ड्स जो यहाँ देखते हैं, और यहाँ पर झूले भी लग चुके हैं दोस्तों, बढ़िया वाले जिम विम टाइप के। हाँ तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं रानी सिंह पार्क के सामने वाला, नया बना है पार्क, तो वहाँ आया हूँ मैं। और यहाँ पर पानी की तलाश कर रहे हैं, प्यास काफी लग रही है हम लोगों को। और ये देखिए दोस्तों, काफी अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर भीड़ है ही नहीं है, बिल्कुल खाली है ये। चश्मा। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर झूले भी लगे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया वाले झूले। और बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर झूले लग चुके हैं एक्सरसाइज के लिए, झूले लग चुके हैं, और अभी ताला लगा हुआ है तो अंदर नहीं जा सकते हैं, सुबह के टाइम खुलता होगा। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए पीछे, और यहाँ पर है भी नहीं है कोई, भीड़ बहुत कम है।
चलो देखते हैं कौन कौन मिलता है यहाँ पर। और ये रहा यहाँ का बेस्ट लोकेशन है, यहाँ फोटो शूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, कभी आओ फोटो शूट पे तो यहाँ जरूर आना। और मेरे इंस्टा पे आप फोटो देखना, मैंने डाली हुई है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फोटो आती है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है और हम लोगों को प्यास लग रही है, हम लोगों को पता नहीं है कि पानी कहाँ पर है। पानी ढूंढते हुए हम लोग काफी दूर तक आ चुके हैं। हाँ तो हम लोगों को पानी का पता चल गया है कहाँ पे है। अच्छा गार्ड है, हाँ तो भाई गार्ड है, हर खाकी पुलिस वाला नहीं होता है, गार्ड भी होते हैं कुछ। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया है यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों बारिश हो रही है तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि बारिश कब बंद हो और हम लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है तो हम लोग अब घर के लिए निकलेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, क्योंकि बारिश का मौसम है और अभी बारिश भी थोड़ी बहुत हो रही है, तो इससे पहले हम घर पहुँच जाएँ इससे अच्छा है। तो अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं। पीछे एक झांसी का किला है, किसी दिन वहाँ की भी ब्लॉग्स बनाना है।